ग्राम प्रति लीटर। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ग्राम प्रति लीटर क्या होता है। किसी पदार्थ के विलयन के 1 लीटर आयतन में, तो कोई पदार्थ का मतलब जैसे चीनी मान लीजिए, और उसको मिलाया गया पानी में और एक विलयन बनाया गया, और उसका जो आयतन कितना रखा गया, 1 लीटर। तो उस 1 लीटर के आयतन में क्या किया जाए, पदार्थ के जितने ग्राम विलेय हैं, मतलब चीनी के जितने ग्राम उस विलयन में घुले हुए हैं, उस पानी में जितने ग्राम चीनी के घुले हुए हैं, उस विलयन की सांद्रता उतने ग्राम प्रति लीटर होती है। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। तो उस विलयन का जो गाढ़ापन है उतने ही ग्राम प्रति लीटर होगी जितने ग्राम उस पदार्थ यानी चीनी के विलेय होंगे, विलेय मतलब घुले होंगे। तो ये ग्राम प्रति लीटर शब्द कई जगह पर आ जाता है केमिस्ट्री में, तो इसका अर्थ आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या होता है।